हाय एवरीवन, आज जो टॉपिक मैं तुम लोगों को सिखाने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है ट्रायल बैलेंस। अब जब ट्रायल बैलेंस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ट्रायल बैलेंस है क्या, और फिर सिखाऊंगा ट्रायल बैलेंस बनाते कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस क्या है। तो देखो, तुम लोगों को मैंने कई वीडियो में बताया है और तुम लोग जानते भी होगे कि जो हम लोग का अकाउंट्स होता है ना, वो डबल एंट्री सिस्टम में बनते हैं। ठीक है, और डबल एंट्री सिस्टम में क्या करते हैं, हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन का दो इम्पैक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। एक इम्पैक्ट को बोला जाता है डेबिट और दूसरे इम्पैक्ट को क्या बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं। ओके, और हमेशा जितना अमाउंट डेबिट में डालते हैं उतना ही अमाउंट क्रेडिट में डालेंगे, ये बात याद रखना। जितना अमाउंट डेबिट में होगा उतना ही अमाउंट क्रेडिट में होगा, ये दोनों हमेशा इक्वल ही होगा, मतलब डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होते हैं। अब मान लो कि तुमने जर्नल बनाया और जर्नल बनाते बनाते कहीं पे कोई अमाउंट मिस्टेक लिख दिए, कहीं 6000 लिखना था 600 लिख दिए, कहीं 5000 लिखना था 500 लिख दिए, ऐसा अमाउंट लिख दिए। और या फिर हो सकता है कि जब तुम लेजर बना रहे थे तो तुमको 6000 को पोस्टिंग करना था लेकिन तुमने 6000 को 600 पोस्टिंग कर दिया, या फिर सपोज जिस अकाउंट में पोस्टिंग करना था उस अकाउंट में पोस्टिंग ना करके किसी दूसरे अकाउंट में पोस्टिंग कर दिया, तो मतलब कुछ मिस्टेक हो गए। कहा मिस्टेक हुआ, या तो जर्नल के टाइम में मिस्टेक हो गया या फिर लेजर के टाइम में। यह भी हो सकता है कि तुमने जर्नल भी सही किया, पोस्टिंग भी सही किया, लेकिन जो एडलेस करते हो ना, बैलेंसेस निकालते हो, वहां पे कुछ कैलकुलेशन का मिस्टेक कर दिया। तो मिस्टेक तो आखिर मिस्टेक है, कहीं भी मिस्टेक हो, या तो जर्नल में हो, लेजर में हो, कहीं भी मिस्टेक हो। तो ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाते हैं अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए। किस लिए बनाते हैं, यही भी लिख देता हूं, ये बनाते हैं अरिथमेटिक कल एक्यूरेसी, मतलब तुमने जो सम्स बनाया है, तुमने जो जर्नल और लेजर किया है, कहीं पे कुछ गलती तो नहीं हो गई है। अगर गलती हो गई है तो उसको पकड़ने के लिए, उसको पता लगाने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है। कैसे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं वो मैं अभी सिखाऊंगा। तो एक बात समझ में आ गया क्या, कि अरिथमेटिकल मिस्टेक अगर हुआ है तो उसको पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। वैसे कुछ ऐसे भी एरर्स हैं, मिस्टेक्स हैं, जो ट्रायल बैलेंस के थ्रू पता नहीं चलता है, उसके लिए मैं दूसरे वीडियो में आऊंगा। अभी समझते हैं कि अकाउंट्स बैलेंस क्या है। ठीक है, क्या बताया मैंने, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, मतलब डेबिट और क्रेडिट बराबर है, इक्वल है या नहीं वो पता लगा। तो इसका मतलब हमारा अकाउंट जो बैलेंस होगा वो दो टाइप के होंगे, एक होगा डेबिट, एक होगा क्रेडिट। अब सवाल है कि सर डेबिट नेचर के कौन कौन से अकाउंट बैलेंसेस होते हैं और क्रेडिट नेचर के कौन कौन से अकाउंट बैलेंसेस होते हैं। ठीक है, तो याद रखना तुम लोगों को ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए, हमारा डेबिट नेचर का होता है दो अकाउंट बैलेंस, एक एसेट्स और दूसरा एक्सपेंसेस, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं लॉसेस। मतलब जितने भी अकाउंट जो या तो एसेट है या फिर एक्सपेंसेस और लॉसेस है, वो सारे हमेशा डेबिट नेचर के होंगे, उनका अकाउंट बैलेंस हमेशा क्या होगा, डेबिट बैलेंस, डेबिट नेचर का होगा। अब क्रेडिट में क्या जाएंगे, जितने भी लायबिलिटी होंगे, लायबिलिटीज, और जितने भी इनकम या फिर गेन होंगे, गेन्स होंगे, वो सारे क्रेडिट नेचर के होते हैं। ठीक है, तो अभी ट्रायल बैलेंस बनाते समय तुमको क्या ध्यान रखना है, तुमको सिर्फ ये पता लगाना है कि जो अकाउंट है वो एसेट है, एक्सपेंसेस लॉस है, इनकम है या लायबिलिटी है। अगर एसेट या एक्सपेंसेस है तो उसका नेचर डेबिट होगा, अगर लायबिलिटी और इनकम है तो उसका नेचर क्रेडिट होगा, ये बात एकदम याद रखना है। ठीक है, अभी कैसे करते हैं, तो एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों को स्क्रीन में आ चुका होगा, दिखाता हूं वो कुछ क्वेश्चन में क्या बनाना है, जरा देख लेते हैं। ठीक है, इसी के थ्रू बनाना है हम लोग को, याद रखना यही बेसिक तुम्हारा रूल है, इसी रूल को ध्यान में रखना है। क्या है, द फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ बजरंग, बंदे का नाम क्या है, बजरंग, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 2021। तो क्या करते हैं, तो बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ बजरंग, लिखा, देखो बजरंग आ गए,
अब यहाँ लिखेंगे टी आर आई ए एल ट्रायल बैलेंस, और याद रखना एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, डेट लिखना कंपलसरी है, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 2021, ये आ गया हमारा अकाउंट बैलेंसेस का ट्रायल बैलेंस। ये हमने फॉर्मेट बनाया, ये हमने फॉर्मेट बनाया, यहाँ पे हम लोग एक और फॉर्मेट कॉलम करेंगे, यहाँ भी करेंगे, इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ लिखेंगे सीरियल नंबर, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर, तुम लोग पर्टिकुलर के जगह पे नेम ऑफ अकाउंट्स भी लिख सकते हैं, नेम ऑफ अकाउंट्स भी लिख सकते हो। यहाँ लिखेंगे LF, यहाँ लिखेंगे सॉरी डेबिट क्रेडिट, डेबिट रुपीस, यहाँ लिखेंगे क्रेडिट रुपीस, और इसको मैं क्लोज कर दिया। ये हमारा फॉर्मेट रेडी हो गया। अब करना कैसे है तो देखो, क्वेश्चन में, क्वेश्चन जो तुम्हारे स्क्रीन पे आ रहा होगा उसमें देखना, दिया हुआ है तुम्हारा कैश कैपिटल परचेस, ऐसे करके बहुत सारे दिए हुए, ठीक है। तो मैं एक एक करके करते जाता हूं। तो पहला क्या है, कैश। सवाल आएगा कि सर ये कैश क्या है, एसेट है, एक्सपेंसेस है, लाइबिलिटी है और इनकम है, क्या है ये? तो ये एसेट है, कैश हमेशा एसेट होता है, तो कैश एसेट होगा तो कहां जाएगा, कैश जाएगा डेबिट में। एकदम याद रखो, एसेट एक्सपेंसेस को डेबिट में डालो, लाइबिलिटी इनकम को क्रेडिट में डालो। तो क्या हमारा कैश कितना है, एसेट है, एसेट है मतलब डेबिट में जाएगा कितना रुपया, 2000, हम लोगों ने क्वेश्चन से देख लिया, सिंपल कहानी। दूसरा देखते हैं कैपिटल, कैपिटल क्या है, कैपिटल सर कैपिटल लाइबिलिटी है, स्कूल में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, कैपिटल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कहां जाएगा, लाइबिलिटी जाएगा क्रेडिट में, 80,000 डाल दो क्रेडिट में। फिर अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है हमारा परचेजेस, परचेजेस, परचेजेस क्या है, परचेजेस एक्सपेंसेस है, परचेजेस एक्सपेंसेस है, इसका मतलब कहां जाएगा, आएगा जाएगा तुम्हारा डेबिट साइड में, कितने रुपए, 85,000। नेक्स्ट चलते हैं नंबर चार, नंबर चार में क्या है हमारा, सेल्स, सेल्स क्या है, सेल्स है हमारा इनकम, इनकम कहां जाएगा क्रेडिट में, सेल्स कितने रुपए थे, 1,08,400, 1,08,400। इतना से तुम लोग को यह समझ में आ रहा होगा कि मैं अकाउंट देख रहा हूं, अकाउंट देखने के बाद यह पता कर रहा हूं कि भैया वो ये है, ये है, ये है, ये है। अगर एसेट एक्सपेंसेस है तो डेबिट में लिख रहा हूं उसका अमाउंट, अगर वो लायबिलिटी इनकम है तो कहां लिख रहा हूं, क्रेडिट में लिख रहा हूं, बस इतनी बात याद रखना है तुम लोगों को, ठीक है। अगला चलते हैं परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न जल्दी बताओ क्या है, परचेस रिटर्न कॉमेंट में बता दो बेटा, रिटर्न परचेस रिटर्न, देखो परचेस अगर एक्सपेंसेस है तो परचेस रिटर्न हमारा इनकम होगा, इनकम कहां जाएगा भैया, इनकम जाएगा क्रेडिट में, कितने रुपए, 6,000 क्रेडिट में, इसलिए क्रेडिट में डाला। नेक्स्ट क्या है हमारा, छह नंबर, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न क्या है बेटा, सेल्स रिटर्न हमारा लॉस है, सिंपल सा बात है, सेल किया इनकम हुआ, बंदे ने वापस कर दिया, सेल्स रिटर्न हो गया, और सेल्स रिटर्न होने से तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा कस्टमर तुमको गुड्स वापस करेगा तो लॉस हो जाएगा, और लॉस क्या होगा, लॉस क्या होगा, लॉस हमेशा डेबिट होगा, कितने रुपए, 4,000 चला गया। उसके बाद नंबर सेवन, नंबर सेवन में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है जल्दी बताओ, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन हमारा एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस कहां जाएगा, बोर्ड पे देख के बताओ, डेबिट में जाएगा 1,800 रुपए, क्वेश्चन में देख लेना, ये अमाउंट वहीं से मैं निकाल के डाल रहा हूं। फिर क्या है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड क्या है हमारा, डिस्काउंट अलाउड हमारा लॉस है, लॉस है या एक्सपेंसेस बोलो एक ही बात है, लॉस है, तो लॉस कहां जाएगा, लॉस जाएगा डेबिट में, कितने रुपए, 500, मतलब मैं अकाउंट देख रहा हूं उसका नेचर मिला रहा हूं, डेबिट क्रेडिट में डालते जा रहा हूं, चलो खत्म कहानी। प्रिंटिंग, प्रिंटिंग क्या है, प्रिंटिंग हमारा एक्सपेंसेस है, जल्दी जल्दी मैं करता हूं अभी, प्रिंटिंग हमारा एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस किधर जाएगा, एक्सपेंसेस जाएगा डेबिट में। दस, नेक्स्ट क्या आया, सन्ड्री डेटर, डेटर कौन होते हैं हमारे, डेटर हमारे एसेट्स होते हैं, डेटर एसेट्स होते हैं तो डेटर किधर जाएगा, डेटर जाएगा डेबिट साइड में, 70,000। नेक्स्ट क्या है, क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर क्या है हमारा, सन्ड्री क्रेडिटर क्या है हमारा, सन्ड्री क्रेडिटर हमारा लायबिलिटी है, लायबिलिटी कहां जाएगा, क्यों लायबिलिटी है भैया, सन्ड्री क्रेडिटर से वाले लोग हमसे पैसे पाते हैं,
ठीक है, और वी आर लाइबल टू पे, हमें पे करना है उसको। तो जब भी किसी को पे करने का बर्डन रहता है वो लाइबिलिटी होता है, तो लाइबिलिटी है तो कहां जाएगा, कहां जाएगा, क्रेडिट में। नेक्स्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट, जल्दी बताओ इन्वेस्टमेंट क्या है, एसेट लॉस एक्सपेंसेस इनकम, जल्दी बताओ इन्वेस्टमेंट। बहुत अच्छे, इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है, एसेट कहां जाएगा, एसेट जाएगा डेबिट में। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है प्लांट एंड मशीनरी, जल्दी बताओ क्या है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी हमारा एसेट है, एसेट कहां जाएगा, एसेट हमेशा डेबिट में जाएगा, कितने रुपए, 15,000। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा बिल्डिंग है, बिल्डिंग कितना, बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग भी सर एसेट है, एसेट कहां जाएगा, एसेट जाएगा डेबिट में सर। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है फर्नीचर, फर्नीचर क्या है जल्दी बताओ, फर्नीचर क्या है जल्दी बताओ, फर्नीचर हमारा एसेट है, एसेट कहां जाएगा, एसेट जाएगा डेबिट में। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी, जल्दी बताओ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी हमारा है एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कहां जाएगा डेबिट में, 700 रुपए। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या है, पोस्टेज, पोस्टेज, पोस्टेज क्या है, पोस्टेज एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस कहां जाएगा, एक्सपेंसेस कहां जाएगा जल्दी बताओ, एक्सपेंसेस जाएगा डेबिट में। उसके बाद 18 नंबर, 18 में आया ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स क्या है, ड्रॉइंग्स क्या है, अब याद रखो कैपिटल होता है लाइबिलिटी, और ड्रॉइंग्स जो होता है ना वो लाइबिलिटी नहीं होता है, वो एसेट होता है, एसेट बोल नहीं सकते, वो एक्चुअली नेगेटिव कैपिटल होता है। तो अगर कैपिटल क्रेडिट साइड में जा रहा है तो ड्रॉइंग हमेशा डेबिट साइड में जाएगा, याद रखना। तो ड्रॉइंग्स कहां जाएगा, 8,000 डेबिट में। उसके बाद 19 नंबर में क्या है, 19 नंबर में है सैलरी, सैलरी, सैलरी क्या है जल्दी बताओ, मेरा जगह भी यहां पे कम हो रहा है, ठीक है, सैलरी, 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 सैलरी हमारा 6,000 क्या है, ये एक्सपेंसेस है, डेबिट में डालो, लास्ट एंट्री है, किसी तरीके से इसको दिखा देता हूं। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्या है जल्दी बताओ, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये हमारा लिखा हुआ है एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस होने से कहां जाएगा डेबिट में जाएगा। अब क्या करेंगे, सारे बैलेंसेस को डाल दिए, अब इसका टोटल कर लेंगे, तो इसका टोटल मैं करता हूं फटाफट, टोटल करूंगा तो क्या आएगा, 2000 प्लस 85,000 प्लस 4000 प्लस 1800 प्लस 500 प्लस 5000 प्लस 70,000 प्लस 8000 प्लस 15,000 प्लस 20,000 प्लस 6000 प्लस 700 प्लस 400 प्लस 8000 प्लस 6000 प्लस 2000, ये निकला 234,400। इधर टोटल किया तो 234,400, और इस तरफ टोटल करो कितना आएगा, 80,000 प्लस 108,400 प्लस 6,000 प्लस 40,000, अरे ये भी आ गया 234,400। अगर तुम्हारा ये मैच हो गया मतलब तुमने कुछ भी मिस्टेक नहीं किया है, ठीक है, और अगर मैच नहीं हुआ मतलब कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है। तो सीधी सी बात है, ट्रायल बैलेंस बनाने का क्या फंडा तुम लोगों ने समझा, जितने भी एसेट होंगे एक्सपेंसेस होंगे। अभी देखो तुम्हारे लिए चैलेंज ये है कि तुमको ये पता होना पड़ेगा कि कौन एसेट है कौन एक्सपेंसेस है, और जितने भी लायबिलिटी और इनकम होंगे वो क्रेडिट, एसेट एक्सपेंसेस डेबिट, लायबिलिटी इनकम क्रेडिट। बस ट्रायल बैलेंस में इतना याद रखना है, लेकिन 1% काम बाकी रहेगा, क्या एक कहानी है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, एक कहानी है क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। टेक्निकली बताता हूं, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, ठीक है, कभी भी नहीं आएगा, बट कुछ सिचुएशन है, कुछ वर्ड्स है जो तुम याद रखना, वो वर्ड्स अगर क्वेश्चन में दिया है, वो अकाउंट बैलेंस अगर क्वेश्चन में दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा, ठीक है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट सॉरी ट्रायल बैलेंस में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। When come, कब आएगा, कब आएगा, अगर क्वेश्चन में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड दिया हुआ है, या फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 ही लिखता हूं,
या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेंशन है, या फिर परचेज एडजस्टेड मेंशन है। अगर क्वेश्चन में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और परचेज एडजस्टेड मेंशन है तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा। कहां आएगा? तो आएगा डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। कौन? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में। ये सब भी आएंगे ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में, ठीक है। ये भी आएंगे ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में और क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में। लेकिन अगर इनमें से कोई भी नहीं है, वन नंबर और टू नंबर और थ्री नंबर, इनमें से कोई भी अगर नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा ट्रायल बैलेंस में। तो अगर क्वेश्चन में तुमको क्लोजिंग स्टॉक दिखे तो तुम क्या चेक करोगे? तुम चेक करोगे कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और परचेस एडजस्टेड, इन तीनों में से क्या कोई भी आइटम क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है तो ये भी डेबिट में जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक भी डेबिट में जाएगा। और अगर इन तीनों में से एक आइटम भी नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। जैसे यहां पे देखो, यहां पे परचेस लिखा है, ये परचेस एडजस्टेड नहीं है। क्वेश्चन में मेंशन रहेगा परचेस एडजस्टेड या एडजस्टेड परचेस। तो अगर इन तीनों में से कोई भी है तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा, नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। बस ट्रायल बैलेंस में इतना ही याद रखना है, डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस एक बार में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। अब एक और वीडियो में मैं तुम लोगों को बताऊंगा जर्नल से लेजर कैसे बनता है और लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। क्यों? ये हमारा कौन सा ट्रायल बैलेंस था? ये डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस था। बैलेंसेस दिए हुए थे और ट्रायल बैलेंस बन गया। अगर बैलेंसेस तुम्हें निकालने के लिए बोल दे, वहां से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाऊंगा, ये मैं एक वीडियो में तुम लोगों को समझाऊंगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।